भारत दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा समेत 7 करार। 2023 तक 50 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो विश्व समुदाय। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े सोल शांति पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में योगदान के लिए सम्मान। नमामि गंगे के फंड को प्रधानमंत्री ने किया समर्पित। स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 18वीं वर्षगांठ में शामिल हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों की सराहना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों की मदद के लिए ट्रस्ट हमेशा तत्पर। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन मामले में बड़ा मोड़। पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ लुकआउट नोटिस सीबीआई ने किया जारी। पूर्व न्यायाधीश डीके जैन बीसीसीआई के लोकपाल नियुक्त। प्रशासकों की समिति की बैठक जारी। क्रिकेट विश्व कप से पाकिस्तान को बाहर करने के प्रस्ताव पर होगा मंथन।